गाइस आज तक गुवाहाटी में बहुत बार जा चुका हूँ ना, लेकिन गुवाहाटी का जो ये सीन है ना भाई, कमाल का यार, कसम से मस्त लगता है जो सीन है ना। देखिए गाइस सीन देखिए, ये कहाँ आ रहा है? अरे होय 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 होय, कहाँ रहे कहाँ रहे? अरे कर भैंस की आँख तेरी। सो हे गाइस, इट्स मी वांगचू तमंग हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वांगचू तमंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ गाइस। इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। तो गाइस आज कुछ इमरजेंसी काम के लिए हम गुवाहाटी जा रहा हूँ, तो लगभग टाइम अभी हो गया आपका 3:30 हो गया, तो जा रहे हैं आज गुवाहाटी। तो मौसम ख़राब होने की वजह से हम पहले वीडियो नहीं बना सके गाइस, क्योंकि बारिश ऐसा भयंकर दे रहा था ना गाइस, मत बोलिए यार। तो अभी फाइनली पहुंच गया गाइस, अभी चंगसारी पार होकर अभी गुवाहाटी पहुंचने वाला है गाइस। तो ये चेक कीजिए गाइस, ये देखिए नज़ारा देखिए गाइस, सेम यार जो नज़ारा है ना गाइस, ये बहुत गुवाहाटी में सबसे मेरा बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है। ये जो पार्ट है ना गाइस बहुत सुंदर है गाइस, और ऐसा लगता है गाइस यहाँ में आके जाओ कि ना आप आसाम पे नहीं दूसरा कंट्री पे है जैसा लगता है गाइस। सही में मेरे लिए ऐसा लगता है, आप लोगों के लिए क्या लगता है कमेंट कीजिए गाइस। अभी बारिश भी रुक गया गाइस, मौसम हो गया पूरा साफ हो गया, देखिए इतना साफ दिख रहा है कि पहाड़ों पूरा आराम से देख सकते हैं आप लोग, इतना शानदार सीन है भाई। तो मैं बैठा हूँ पीछे में अभी, तो ये देखिए और बाइक राइडिंग कर रहा है मेरा भैया। तो अभी हम लोग पहुँच गया गुवाहाटी नारायण हॉस्पिटल पहुँच गया। अभी यहाँ से लगभग गुवाहाटी आपका होगा 8-9 किलोमीटर होगा गुवाहाटी पहुँचने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। वैसे इधर में तो इतना बारिश नहीं है गैस, लेकिन जो बायहाटा तरफ जो बारिश है ना गैस, मत बोलिए यार कसम से बहुत ख़राब लगता है देख के ना। आदमी लोग का घर डूब रहा है इधर में, और आदमी रास्ते में बैठे हुए हैं, सर ने बहुत ख़राब लगता है गैस ऐसे देख रहे थे ना। और ये कहाँ आ रहा है? ओए 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 बच, अरे यार यार अभी एक्सीडेंट हो जाना था यार, ऐसा क्यों करता है यार? थत डर लग गया यार, थत कुछ हादसा हो जाना था यार, अभी बच गया यार सही में यार। सो गाइस अभी बच गया आपका 4 और हम लोग पहुंच गया अभी असम का लार्जेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र ब्रिज में। तो गाइस यो ब्रिज में ना बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिज है ये चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा का अंडर में है, क्योंकि यहाँ में आपको आपका जो स्पीड लिमिट होता है आपका बाइक या कार का स्पीड लिमिट आपका कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ में आपका स्पीड लिमिट 20-30 के अंदर में होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे में जाके भारी सा एक फाइन भरना पड़ेगा गाइस। ये देखिए गाइस, ये रहा ब्रिज ब्रह्मपुत्र का, ये सिर्फ जाने के लिए है गाइस, जो उधर से आएगा उधर से आने वाला के लिए वो दूसरा ब्रिज है, ये सिर्फ जाने के लिए है। और इसका जो नीचे में है गाइस, नीचे से आपका ट्रेन जाती है और ऊपर से गाड़ी जाती है गाइस। तो देखिए गाइस ये रहा आसाम का लार्जेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र ब्रिज। ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पे आप लोगों को भारी सा फाइन भरना पड़ेगा अगर आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आगे में जो है आगे में पुलिस वगैरह बैठता है हमेशा, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है गाइस हमेशा। और इतना पानी तो मैंने कभी नहीं देखा था ब्रह्मपुत्र में यार सही में, ये साल जैसा बारिश गिरा है ना यार सही में, आदमी लोग का घर डूब के खराब लगता है यार ऐसा। आई होप कि बारिश जल्दी ही रुक जाए यार। और सही में यार जो पहले मेरा जो बाइक में आदमी आया था एक जो ना, सही में बहुत मेरा दिल डुक 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 कर रहा है गाइस सही में, वो तो पूरा आगे में आ गया था यार सही में, बहुत डर लग गया था हमको। अरे नहीं जाता यार, इतना हॉर्न मारता ही नहीं जाता यार, पागल जैसा आदमी यार। मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटे मिली, मैंने चाहा चाहूं ना तुझे पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिश, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं।
तो अभी हम लोग पहुँच गया जालुकबारी ब्रिज में। तो ये चेक कीजिए गाइस, ये रहा जालुकबारी ब्रिज। आज बारिश की वजह से गाइस इधर में आदमी नहीं है, नहीं तो इधर में इतना जाम होता है ना यार, सही में। यहाँ से उधर तक जाने के लिए आपको 10-15 मिनट लगता है यार, इतना ट्रैफिक जाम होता है इधर में। आज देखिए पूरा रास्ता खाली खाली हो गया यार, सही में आदमी नहीं इधर में। अभी हम लोग को जाना है इधर से लेफ्ट साइड, ऊपर से जाता है आपका बेलतोला, आपका जाता है गुवाहाटी शिलोंग, और हम लोग को जाना है लेफ्ट साइड, और हम लोग को जाना है अभी कामाख्या पल्टन बाजार में जाना है यार। तो अभी हम लोग ले लिया हम लोग का लेफ्ट साइड। तो ये चेक कीजिए गाइस, ये रहा आपका ब्रिज, ओवर ब्रिज। ऊपर से जाती है आपका गाड़ी और ट्रेन भी जाती है ऊपर से, और हम लोग गुजर रहे हैं अभी जब ब्रिज का नीचे से यार। तो अभी नीचे में देखिए यार, सही में आदमी नहीं, पूरा रास्ता खाली खाली हो गया गाइस। ये चेक कीजिए गाइस, ये रहा ब्रिज, ओवर ब्रिज जालुकबारी का। और हम लोग यहाँ से फिर जाना है आपका लेफ्ट साइड में। सीरियसली यार, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यार, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ गुवाहाटी का रोड में इतना भीड़ कम है। आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आई एम सो शॉक्ड यार। नहीं तो ये रास्ता में इतना भीड़ होता है गाइस, मत बोलिए। आपको वहाँ से लगभग आपका जालुकबारी ब्रिज से आपको हरलमुख तक पहुँचने के लिए आपको लगता है 20-30 मिनट लगता है यार। आज देखिए ना गाइस, इतना खाली रोड यार। मैं शौक हो गया यार, सही में देख के बारिश ने क्या से क्या कर दिया यार, सही में यार। देखिए ना रास्ता इतना खाली पड़ा है, रास्ता गाड़ी ही नहीं है पूरा। और एक बात हमेशा याद रखिए गाइस, जब भी आप राइड करते हैं, या तो गाड़ी हो चाहे बाइक हो, आप जब भी आप राइड करते हो गाइस, आप अपना सुरक्षा खुद करें, अपना प्रोटेक्शन खुद करें। आप हमेशा हेलमेट पहनिए गाइस, क्योंकि एक छोटा सा हेलमेट पहनने के लिए आपको कुछ भारी नहीं होता है गाइस। इसलिए जब भी आप रोड में गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा हेलमेट पहन। तो भाई साहब कितना भयंकर कट मर दिया यार, वो भी बच्चा लेके यार, इतना रिस्क नहीं लेना यार। और देखिए गाइस आगे में एक हीरो जा रहा है यार, बिना हेलमेट पहने क्या बोलेगा यार, कहीं पुलिस ना पकड़ लिए भाई साहब को यार। अगर पुलिस पकड़ लिया तो सही में यार भयंकर हेवी सा फाइन भरना पड़ेगा यार। और यहाँ में थोड़ा थोड़ा आपका ट्रैफिक देखने लगा है गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साइड से, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड से जाने के लिए कोई चांसेस नहीं है यार। तो हम लोग अभी रुक गया तो इधर में फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, आई होप कि जल्दी बने, क्योंकि जितना जल्दी बनेगा उतना पब्लिक के लिए आसान होगा, क्योंकि इतना सारा भीड़ लगता है गाइस इधर में। आपको पीछे में रहना पड़ेगा, आपको आगे में जाने का कोई चांस ही नहीं होता, इतना सारा भीड़ होता है ट्रैफिक इधर में। आई होप कि जल्दी बने, और जितना जल्दी बने उतना पब्लिक के लिए आसान होगा। तो गाइस अभी बज गया अभी रात का 8, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापसी। तो हम लोग का काम हो गया, जो भी काम के लिए आया था वो हो गया, तो जल्दी हो गया काम। तो अभी घर वापसी जा रहे हैं। तो ये सीन हो गया गाइस, ये ब्रह्मपुत्र ब्रिज का रात का व्यू है, कुछ ऐसा दिखता है गाइस रात में आपका हम लोग का ब्रह्मपुत्र ब्रिज। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखता है यार, सही में रात में हम लोग का ब्रिज है ना। तो यहाँ से अभी घर वापसी जाना है, और आगे में जाके कुछ खाना है, खाना खा पी के हम लोग को घर में जाना है। तो आराम से जाना है अभी, यहाँ से लगभग हम लोग को 2 घंटा जैसा लगेगा घर पहुँचने के लिए, क्योंकि आराम से भी जाना है हम लोगों को। तो गाइस पहुँच गया अभी बायहाटा चारियाली, अभी हम लोग को यहाँ से 40 मिनट लगेगा घर पहुँचने के लिए। तो बारिश भी गिरना शुरू हो गया। ठीक है गाइस, बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।